Hi everyone, my name is Amar and I am one of the co-founders of Nearpeer.org. और Nearpeer के बारे में आपको पता ही होगा, specifically जो हमारा Chartered Accountancy का module है, उसके ऊपर we have wonderful courses by the top faculty of the Chartered Accountancy market. और last time आपने यकीनन कोई ना कोई course लिया होगा, जिसके से corporate law उसका एक बहुत ही amazing और main course है CFAP level का. और आज हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे साथ सर आतिफ अबदी, द इंस्ट्रक्टर हिमसेल्फ ऑफ द मेन सुप्रीम हॉटेस्ट कोर्स ऑन Nearpeer.org आज हमारे साथ मौजूद हैं. लास्ट सेशन के अंदर जब आप लोग कोर्सेज ले रहे थे, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, क्लासरूम ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्टर के साथ बातें करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो सर आतिफ अबदी और हमने एक चीज़ नोट की थी कि आप लोगों के कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का रिकॉर्ड निकाला और चंद एक मेन क्वेश्चंस निकाले, जो कि आज मेरा एजेंडा है कि मैं आज सर आतिफ अबदी से पूछूं और इस सेशन की वजह से वो सारे आंसर्स आप तक भी डिलीवर हों, ताकि कुछ मेन क्वेरीज जो हैं वो आपको आज के बाद इंशाल्लाह तंग ना करें. सो सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, वेलकम टू आवर सेशन. तो सर डायरेक्टली मैं स्टूडेंट की क्वेरीज पर आता हूँ, क्योंकि वही चीज़ें जो है उनको बहुत तंग करती हैं. आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन उनके पास ऑलरेडी है. सर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर उनको एक प्रॉब्लम आता है कि लीगल लैंग्वेज को लर्न करना ज़रूरी है कि नहीं है. जैसे वो बाकी कोर्सेज देते हैं, उसके आंसर्स में लीगैलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह की टेक्निक्स वगैरह होती हैं, कॉन्टेंट तो आता होता है, लेकिन क्या उसकी लैंग्वेज भी लीगल होनी चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी एग्जैक्टली सवाल आपने जिस तरह से कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग तरीके से इसको पूछा है, Nearpeer पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये टिपिकल क्वेश्चन था, आप देख रहे होते थे. एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के जहन में है वो ये है कि हमें लॉ को लीगल लैंग्वेज में लिखना होता है पेपर में. एक मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनका एक व्यू बनता है, क्योंकि होता है क्या कि एक जूनियर अपने सीनियर से पूछता है कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ कैसे पास करना है. अब सीनियर ने अपने टाइम पे 1.5-2 साल, 4-5 साल लगा के बड़ी मुश्किल से पास किया होगा पेपर, लेकिन वो इस जूनियर पर रोक डालने के लिए कहेगा ओहो लॉ जब तक लीगल लैंग्वेज नहीं लिखी तुम तो फ्लॉप हो जाओगे. अब वो जो जूनियर है या एक बेसिक बिगनर ऑफ द सब्जेक्ट है, वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना पजल हो जाता है कि ये वाला तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है बगैर लीगल लैंग्वेज लिखे. तो ऐसे में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता था, मेरे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. मैं एक दफ़ा एक पब्लिशर के पास गया, मैंने कहा मुझे बेयर लॉ की किताब चाहिए, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी है. तो पब्लिशर हंसना शुरू हो गया, उसने कहा सर बेयर लॉ कौन पढ़ता है? मैंने कहा क्या मतलब? तो हंस के कहता सर आपने तो आदतें खराब कर दी हैं, आप लोगों ने किताबें बनाई हैं, आप लोगों ने मेड इजी और इस तरह से कुछ किताबें नोट्स और इस तरह की चीज़ें वो की हैं, तो अब लोग बेयर लॉ की तरफ तो जा ही नहीं रहे, अब लोग बुक्स यूज कर रहे हैं टीचर की और पेपर दे रहे हैं. देन स्टिल जहन में कहीं ना कहीं परेशानी थी. आई कैप के साथ हमारी कई दफ़ा सेशन इनको कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, तो आई कैप उसमें कुछ रीजंस पूछना चाहता है, कुछ हम भी पूछना चाह रहे होते हैं. तो ऐसे में एक दफ़ा डायरेक्ट एग्जामिनर्स और वो सारी बॉडी जो कि इन सारी चीज़ों को डील कर रही है, उनसे हमें सवाल पूछने का मौका मिला. तो ऐसे में एक सवाल जो उनसे पूछा गया कि क्या लीगल लैंग्वेज लिखनी ज़रूरी है, जवाब में उन्होंने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हमें दी हैं. सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते लीगल लैंग्वेज लिखना कि स्टूडेंट लीगल लैंग्वेज लिखे. इसका एक सबूत उन्होंने कहा कि आप कैफ लेवल की किताब उठा के देख लें, सी फैट लेवल पर आईकेप की किताब अवेलेबल नहीं है, कैफ लेवल पर जो आईकेप की किताब है वो प्लेन इंग्लिश में लिखी हुई है, उन्होंने लीगल लैंग्वेज उठाई है, उसको प्लेन सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया है. इवन इन द रिवीजन के 10 के पास पेपर और उनके सॉल्यूशन, उसके अंदर भी उन्होंने प्लेन लैंग्वेज पर फोकस किया होता है, लीगल लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया होता. तो एक ये चीज़ बड़ी मोटिवेटिंग थी. तो आईकेप के एग्जामिनर्स ने स्पेसिफिकली खुद कहा कि हम ही आपको गारंटी देते हैं कि हम लोग कभी भी लीगल लैंग्वेज एक्सपेक्ट नहीं करते, बल्कि स्टूडेंट्स लीगल लैंग्वेज लिखने के चक्कर में अपने मेन थीम को ही आउट कर देते हैं. अगर स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग सही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो लीगल लैंग्वेज लिखने के चक्कर में बिल्कुल ही चीज़ें खराब कर देता है. दूसरी एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, वो कहते हैं कि लॉ के अंदर मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं. अगर एक टॉपिक है उसके 6 पॉइंट्स हैं और 6 नंबर का सवाल है और वो 6 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है और एक स्टूडेंट ने कम्प्लीटली वो 6 पॉइंट्स लिखे हैं, वॉट एवर द लैंग्वेजेस उसने नॉट अंडरस्टैंडिंग और इस तरह के भारी भारी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए या उसको प्लेन इंग्लिश में लिखा है, दैट इज सफिशिएंट एनफ. अगर उसने पॉइंट्स लिख दिए हैं तो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं. हाँ अगर उसने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बदल दिया, अगर लैंग्वेज टोन ही इस तरह की कर दिया, तो एक बेसिक एक आम नॉलेज रखने वाला एक प्लेन इंग्लिश को समझने वाला बंदा अगर एक स्टूडेंट का रिटर्न कोड देखे और उससे मतलब निकाल ले तो दैट इज एनफ. लीगल लैंग्वेज हरगिज रिक्वायर्ड नहीं है. और जब उन्होंने ऐसा कहा तो उससे प्लस पब्लिशर की इस बात से कि सर बेयर लॉ तक कोई ले ही नहीं रहा, तो अगर हर सेशन में 400-500 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं और बेयर लॉ लेने वाले लोग हैं 15 से 20, तो ये बाकी लोग कौन है?
ये वो लोग हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो प्लेन इंग्लिश में आंसर कर रहे हैं और आई टेक को इसको यही रिक्वायर्ड है. लेकिन एक बहुत बड़ा फोबिया है, मैं इसको अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में कहते हैं लीगल लैंग्वेज फोबिया जो स्टूडेंट्स के जहन में. आई होप के पॉइंट राइट. सो इसका कंक्लूजन यही है कि लीगल लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं होती, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश के अंदर लिखना होता है जिसमें ट्राई ये करना चाहिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. तो प्लीज अपने आंसर को खराब ना कर दीजिएगा इस चक्कर के अंदर कि आपने उसमें से उसके अंदर लीगल लैंग्वेज लिखनी है. सर एक और बहुत मेन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स कहते हैं वो कहते हैं कि जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है. अगर हम कंपनी ऑडिटिंग से अगर उठाकर देखें तो अच्छी खासी मोटी तो उसकी सिर्फ किताब बनती है. तो क्या वो पूरा कंपनी ऑर्डिनेंस पढ़ना है? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपने एक किताब भी लिखी हुई है कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर पूरी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट उसके अंदर चीज़ें की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है. और कॉन्टेंट तो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी होता है, लेकिन उसमें चले मैथमेटिक्स होती है, आपने एक बेसिक्स अपने माइंड में बना लिया उसकी बेस के ऊपर आप आंसर कर दोगे. लेकिन यहाँ पर कि एक्चुअली स्टूडेंट को रट्टा मारना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं उस सिलेबस को कवर करने की? ये सबसे बड़ा जिन है इस वक्त, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किया है, एक टाइम था मॉड्यूल ई और मॉड्यूल एफ का सिस्टम होता था, एक क्या बाउंड करता था कि आपने मॉड्यूल ई के चार पेपर इकट्ठे उठाने हैं, उसमें लॉगर पेपर होता था. नई स्कीम आई, नई स्कीम में उन्होंने ऑप्शन दे दी सीफैप. सीफैप इज छह पेपर जो कि आप ओपनली कोई भी उठा सकते हैं. तो मैंने नोट किया कि स्टूडेंट्स ने लॉ का पेपर ड्रॉप करना शुरू कर दिया. जिनको दो दो साल भी मिल रहे हैं वो लॉ से इतना डर गए कि उन्होंने रिपोर्टिंग ऑडिट इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाने शुरू कर दी, बीएम उठाने शुरू कर दिया और कॉर्पोरेट लॉ से भागना शुरू कर दिया. रीजन बीइंग कि वो मोटी मोटी किताबें देख के, और अगेन ये बेयर लॉस की समरीज हैं, इवन अगर आप मेरी किताब की बात करें तो वो देख के वाकई खौफ आता है. और मैं खुद भी अगर स्टूडेंट हूँगा तो मैं एक दफ़ा देख के कहूँगा भाई इस पेपर से तो दूर ही रहना जरूरी है. नो डाउट पेपर का सिलेबस अच्छा खासा बढ़ गया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसे घबराने शुरू हो गए, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स समझते हैं कि वो सारे के सारे सिलेबस में से हमेशा बहुत सारे सवाल आते हैं. बड़े कम लोग सिलेबस का एक मैप बना के देखते हैं. आईकेप के सिलेबस में तीन एरियाज बने हैं बकायदा, बल्कि आपके पास ही जो ओरिएंटेशन वीडियोज मैंने रिकॉर्ड कराई हुई है नियरपीयर पे, उसमें स्पेसिफिकली मैंने सिलेबस को तोड़ तोड़ के अलग अलग बताया है कि सिलेबस के तीन एरियाज हैं, हर एरिया को इस तरह से ड्रॉप डाउन करके देखना है. कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत लेंथी नहीं है, कुछ एरियाज लेंथी बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेबस में दो कैटेगरीज डिफाइन करता हूँ कि एक कैटेगरी है जिसको आपने क्रैम करना है, याद करना है, और एक कैटेगरी ऑफ द टॉपिक्स ऐसी है जिसको आपने समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. होता यह है कि एक स्टूडेंट पूरी किताब उठा के कहता है मैंने सारी को रटा मारना है, तीन चार चैप्टर का रटा मारते मारते एक दिन उसे समझ आता है कि ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल टारगेट है, मैं कर ही नहीं सकता. 26 चैप्टर है किताब में, सारे को रटा मारने बैठेगा तो वो बिल्कुल बुरी तरह से शुरू हो जाएगी. और फिर रट्टे को रिवाइजअप करने आता है तो उसको लग रहा होता है कि मेरे पीछे सारे टॉपिक भूल गए. और कुछ बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी ओवर इंटेलिजेंस में क्या करते हैं, कहते हैं लॉ है ना लॉजिकल बात है समझ लेंगे, वो सारी लॉजिकल बात समझ के पेपर में तो चले जाते हैं. व्हेन एग्जामिनर आस्क्स के डायरेक्टर रिपोर्ट की 11 कंटेंट्स बताओ, तो लॉजिक की बेस पे तीन चार तक तो कॉन्टेंट वो लिख लेते हैं लेकिन आगे वो फ्लॉप हो जाते हैं. मैं खुद अपने ज़माने में एक लॉजिकल स्टूडेंट होता था लेकिन लॉ पे आके बस हो गई थी, लॉ ने बिल्कुल सारी लॉजिक का सत्यानाश कर दिया था. अब मुझे लगा कि आई कैप बड़ा सालिम है और आई कैप जो है ना शायद रट्टे को प्रमोट कर रहा है. लेकिन एट दैट टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, सिलेबस आउटलाइन को अगर देखें तो उसमें स्ट्रेटेजी पॉसिबल है. जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसकी फील बहुत ज़्यादा बढ़ी है. अगर हम उसको थोड़ा सा प्लान करें, जैसे कि मैंने वहाँ पे भी बताया है कि अगर हम अपने इन 26 चैप्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, 10 चैप्टर्स एंड रेस्ट ऑफ 16 चैप्टर्स, 10 चैप्टर जो कि स्पेसिफिकली जिन्होंने वीडियो नहीं भी देखी उनके लिए चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 6 है, 7 है, 9 है, ये पहला जोन बनता है. दूसरे जोन में चैप्टर नंबर 12, 13 और 14, एंड देन तीसरा जोन जो बहुत जिन अदर लॉज जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर बात करते हैं चैप्टर 16, 17 और 25. अगर हम इन 10 चैप्टर्स की बात करें तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर मैं पास के ट्रेंड को देखूं, सिलेबस आउटलाइन को गौर से देखूं, तो ये इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि 2/3 ऑफ द पेपर कम अज़ कम इस एरिया से बनना चाहिए. आई मस्ट से 60-70% ऑफ द पेपर यहाँ से बन सकता है. ऑल्दो जब भी एक स्टूडेंट कहता है सर एग्जैक्टली बताएंगे कितना बना है, तो उससे स्टूडेंट्स को गलत मैसेज जाता है. हम उन्हें ये नहीं कहना चाहते कि नहीं सिर्फ इन्हीं एरियाज की तक बात करनी है. अगर हम पिछले दो पेपर देखें तो दोनों में 80 प्लस का पेपर इन 10 चैप्टर्स से आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जब हम ये कहते हैं कि 10 चैप्टर्स 80 प्लस आए स्टूडेंट बस 10 को तैयार कर देते हैं. हम कह रहे हैं आपने पूरे सिलेबस को क्रैम नहीं करना, सिलेबस के दो हिस्से बना लिए, ये 10 चैप्टर्स एक साइड पर रख लिए, 16 एक साइड पर रख लिए. इन 10 चैप्टर्स के साथ क्या करना है? अब इसमें एक और प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आ जाएगा, थियोरेटिकल पेपर.
थ्योरेटिकल पेपर का सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग पेपर में जाके पहली दफा लिख रहे होते हैं क्योंकि उससे पहले उन्होंने लिखा नहीं होता। अकाउंटिंग है, टीचर कहता है ये आपने घर से सवाल करके लेके आना है, लोग सवाल करते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं, बैलेंस शीट बैलेंस कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अच्छा उनको इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, साथ सॉन्ग लगाए हुए हैं, कुछ नाते लगाई हुई है अपने अपने तरीके से ना, मतलब साथ साथ थोड़ा सा एक रिलैक्स एनवायरमेंट में, कुछ जो है वो थोड़ा सा बीच में टीवी देख लिया दोबारा इधर आ गए। जब लॉ की बात आती है या किसी थ्योरेटिकल पेपर की बात आती है, वो किताब उठाते हैं और सुकून से बस रिलैक्स होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद किताब उनके मुंह के ऊपर होती है और वो सो जाते हैं। अब हम इस वक्त जिस इरा में हैं, इस वक्त ये इम्पॉसिबल है कि लोग हैंड राइटिंग में काम करें, इस वक्त जो ऑडिट फॉर्म में लोग बैठे हैं, जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं या किसी भी तरीके से या जो जॉब भी कर रहे हैं, उनका दिन के 12 से 15 घंटे लैपटॉप के सामने गुजर रहे हैं, 8-10 घंटे तो अपने फर्म अपने ऑफिस अपने प्रोफेशन की भी जाते हैं और बाकी थैंक्स टू द सीजंस और मतलब ये सारी चीज़ें, तो अब वो लैपटॉप से उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है, उसका मतलब है उनकी बॉल पॉइंट या पेन से दोस्ती खत्म हो गई है। आज के दौर में पेन यूज ही कोई नहीं कर रहा, लोग जाते हैं बॉल पॉइंट खरीदते हैं और वो सदियों तक चलता रहता है, क्यों, क्योंकि हर छः महीने बाद 3 घंटे का एक एग्जाम ही तो देना है, उसके बाद फिर बॉल पॉइंट साइड पर रखा जाएगा। तो एक प्रॉब्लम है कि लोग रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो अब वो जो हमने 10 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, क्यों ना ऐसा हो कि हम बच्चों को पेपर से पहले रिटन प्रैक्टिस करवाएं। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट ही करता हूँ कि आपने इन 10 चैप्टर्स को उठा के एक सेपरेट रजिस्टर में लिख लेना है, एक रजिस्टर परचेज करके आए जिसके 100 से 150 लीफलेट्स, उसके ऊपर आपने ये जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हूबहू एज इट इज छाप दे, कोई मसला नहीं है, ये मत डरें कि मुझे रट्टा लगेगा तो मैं लिखूंगा, किताब सामने रखी उसको एज इट इज अपने पास लिखना शुरू करते हैं, जब अपनी हाथ की राइटिंग में आ रहा होगा ना, जहन में इमेज बन रहा होगा आफ्टरवर्ड्स। किताब जब आपने उठानी है तो वो रटे की नीयत से उठानी नहीं है, क्यों, क्योंकि किताब के जितने भी वो चैप्टर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे, आपने जिनको क्रैम करना जरूरी है उनको आपने लिख लिया अपने रजिस्टर में। अब आपका जब भी आप रजिस्टर उठाएंगे, रजिस्टर इज योर सहीफा, रजिस्टर को उठा के आपने हमेशा क्रैम करना, अपनी लैंग्वेज क्रैम करेंगे, मैं आपको कंप्यूटर के 10 सफ़े दे दूँ आप उन्हें याद कर लेंगे, 5 दिन बाद मैं कहूँगी सफ़े तो आपके लिए फिर नए होंगे, लेकिन अपनी हैंड राइटिंग, मतलब आप जैसे आपने पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक डायरी यूज़ कर रहे हैं, आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, आपने एक पॉइंट लिखा, आप 4 दिन बाद भी अपनी डायरी पर वो पॉइंट देखेंगे ना, आपके जहन में पूरी वीडियो आ जाएगी, आपके जहन में पूरा इमेज आ जाएगा कि क्या था। क्लास में टीचर बता रहा होता है, स्टूडेंट्स अपने पास रजिस्टर पर किची मिची वो अजीब सी बस कुछ डायग्राम बना रहे होते हैं, लेकिन सब हो 4-5 दिन बाद अगर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो अपनी उस डायग्राम को देख के उनको पूरा इमेज रिकॉल हो जाता है कि क्लास में क्या चल रहा है। अब बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज कि आपने उस पूरे लॉ को, उसमें जो 10 चैप्टर्स हैं उनको अपने पास रजिस्टर पे लिख लिया। अब ये रजिस्टर जब उठाना है, याद करने की नीयत से उठाना है। अब जब वो 26 में से 10 चैप्टर इस तरफ आए तो रजिस्टर बहुत मोटा नहीं बनेगा, मैंने कहा 100 से 150 पेजेस के दरमियान ये रजिस्टर मैनेज हो जाएगा, खूबसूरत सी राइटिंग में 2 कलर्स यूज करें तो बहुत अच्छा है ताकि प्रेजेंटेशन। रेस्ट ऑफ 16 चैप्टर्स रह गए किताब में, किताब खोली, जो चैप्टर आपने लिख लिए हैं उनको कर दिया स्टेप, उससे क्या होगा, अब किताब से डर नहीं लगे, आपको ये समझ आ गया कि मुझे पास करने के लिए तो रजिस्टर चाहिए, हाँ थोड़े थोड़े से नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए मुझे रेस्ट ऑफ द बुक चाहिए। अब सुकून से वाकई टेक लगा के लॉ को पढ़ें, जब आप इस खौफ से नहीं ना पढ़े वो इतना बड़ा सिलेबस मुझे याद नहीं होता, तो अब इजी हो गया, बस अब आपने पढ़ते जाना है उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये कहूँगा कि जो बुक में जो रेस्ट ऑफ 16 चैप्टर्स बच गए, बाकी का आपने स्ट्रगल किया हुआ है, अब बुक आपने उठानी है, चैप्टर पढ़ना है, उसकी लॉजिक समझनी है, उसके पास पेपर्स देखने हैं, उसके सॉल्यूशन देखने हैं, एक माइंड डेवलप करना है। पेपर में आप जाएं, ठीक है आप सारा नहीं लिख सकते, लेकिन आप 6 में से 2.5 नंबर 3 नंबर 3.5 नंबर ले सकते हैं, मेन गेम उन 10 चैप्टर्स में से कवर हो गई। पूरे लॉ को याद करने जाएंगे तो भी गलत है, पूरे लॉ को लॉजिकल लेके चलेंगे तो भी गलत है। तो आपने एक 60-70% जो कि मैं मिनिमम पोर्शन बता रहा हूँ उसको उठा के आपने लिख लिया अपने रजिस्टर पे, रजिस्टर जब उठाना है याद करने की नीयत से, किताब उठानी है समझना है देखना है, पास पेपर्स उनके सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो उससे आप बड़ा कंफर्ट फील करेंगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आया। तो सिलेबस बड़ा है लेकिन उनके लिए बड़ा है जो पूरी किताब को याद करने गए। एट एनी गिवन टाइम मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ, ऐसे में अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो कहते हैं सर ने 10 चैप्टर्स बता दिए हैं, ये करना सारा सिलेबस है, लेकिन 10 चैप्टर्स के साथ जरा थोड़ा सा अच्छा वाला सलूक करना है, दूसरे भी करने हैं। और वो भी के ऊपर जो है ना वो एक लतीफ़ा याद आ जाता है, वो एक मौलवी साहब जो है एक जगह पर पहुंचे, उनके साथ उनके कुछ हमनवा भी थे जो साथ, मतलब उनके वो वाह वाह कहने वाले या सुभान अल्लाह कहने वाले, वो एक जगह पहुंचे तो उनने जो मेज़बान थे उनने कहा जी आपके लिए खाना आया, उनने कहा अच्छा ज़बरदस्त, और कई जो मेरे हमनवा हैं इनके लिए भी, तो उन्होंने कहा हाँ उनको भी खाना दे दिया। अच्छा, तो मौलवी साहब ने कहा अच्छा, खाना खा के जब बाहर निकले, इनके सामने खाना था मोर और ये बिरयानी सारा कुछ, जब भी बाहर निकले तो वो लोग बैठ के जमीन पे रोटी के साथ दाल खा रहे थे। ओके।
तो फिर मौलवी साहब ने कहा आप समझ आया ये भी का मतलब क्या होता है, तो आपको खाना दे दिया और उनको भी खाना दे दिया, तो अब स्टूडेंट क्या कहते हैं कि अच्छा रजिस्टर तो कर लेंगे किताब भी कर, तो ये भी वाला सलूक किताब के साथ ना हो, किताब को अच्छे लेवल पे आपने पढ़ना है समझना है, हाँ क्रैंकिंग है सुने, उस किताब में से अगर 25 नंबर का पेपर आता है तो आप 7-8 नंबर भी ले लेंगे ना जो पासिंग मार्क्स है रजिस्टर दिलाएगा, लेकिन क्या होगा अब आप उन 16 चैप्टर्स में से भी खुद से शॉर्टकट मारना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ होगी। मैं इस दफा की आपको एग्जांपल दूं, एक टॉपिक था मुदाबा फ्लोटेशन कंट्रोल ऑर्डर 1980, पिछली 19 अटेम्प्ट से नहीं आया था और स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को करने ही छोड़ दिया था कि तो आप स्लीट आई के पूछते नहीं सारा कुछ है, ऐसे लोग जो गेस्ट वर्क पे चल रहे थे दवाई के अपने पेपर सवाल दे दिया वहां से आफ्टर तकरीबन अ डेकेड एक सवाल आया, तो आईकैप अनप्रेडिक्टेबल है वो कभी भी किसी भी एरिया से आ सकता है, तो हमने अपने आप को तैयार करना है, टॉपिक्स पढ़े सारे हों हाँ क्रैम सारे ना किएगा, फर्स्ट करें आप 10 चैप्टर तैयार कर लेते हैं और आप कहते हैं सर मज़ा बड़ा आ रहा है और मुझे मैरिज सर्टिफिकेट भी लेना है, तो ठीक है अगर आप उस तरह के स्टूडेंट हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, मतलब हर स्टूडेंट ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेना होता, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मुझे किसी एक स्टूडेंट को मैरिज सर्टिफिकेट दिलवाना है और बाकी सबको बहुत ज़्यादा तंग कर देना है या स्ट्रेस में ले आना है, मेरा टारगेट ये है कि 80% लोगों को पास कराना है और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उसमें वो भी अगर अपनी वजह से तबीयत खराब थी या प्लानिंग गलत थी तो वो उस वजह से रहें, अदरवाइज जो भी यूज़ कर रहा हो इस टेक्निक को जो भी यूज़ कर रहा हो, प्लस आपका प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है जिसमें लोग अपने ईजिली रिलैक्स होकर बैठ के अपने इजी आवर्स में चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, तो अगेन मतलब ये थैंक्स टू यू आपके सिस्टम की वजह से चीजें काफी इंप्रूव हुई हैं। राइट सर, थैंक्स टू यू कि आपने इतना अमेजिंग कोर्स जो है वो नियर पीयर को दिया और हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, सो सर दैट इज द रीजन वी लव यू कि आपने किस तरह से 26 चैप्टर्स को आपने लिटरली 11 चैप्टर्स बना दिए, 10 एक साइड पे करके और बाकी सारा एक साइड पे करके, एक स्टूडेंट के एंगल से देखूं तो मैं तो ऐसे ही परसीव करूंगा, लेकिन डेफिनेटली आपने स्टार लगा दिया, प्री एम्बुलेटरी में आपने बोल दिया कि 100% इसको फॉलो नहीं करना, 10 चैप्टर्स बहुत अच्छा देना है टाइम और बाकी जो है उसको भी अच्छी तरह से टाइम देना है, सिर्फ भी वाला टाइम आपने देना। सर एक और बहुत बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स का होता है हमेशा वो ये है कि सर पासिंग रेशियो के, ठीक है फेलियर रेट जहाँ इतना ज़्यादा है हर कोर्स के अंदर, सीए 6-6 साल लगा कर बच्चे कर रहे होते हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पासिंग रेशियो बड़ा कम लग रहा होता है, तो आप इसके ऊपर क्या है? अब इसमें एक अगेन मतलब स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज सोर्सेज से आ रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि स्टूडेंट्स को आईकैप जो है वो एग्जैक्ट परसेंटेज सीफैक लेवल पे नहीं बताता, एग्जामिनर कमेंट्स में उसने एक अटैम्प पहले दी थी जिससे हमें कुछ सोर्सेज मिले 2 ईयर्स के हमें पासिंग रेट मिले, इस दफा हुआ ये कि कंपनी से एक नया आया था और बड़े आईकैप ने अनाउंस जुलाई के आसपास किया था, स्टूडेंट्स डरे हुए थे, किताबें फाइनल नहीं हुई हुई थी तो स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं ली हुई थी तो वो डरे हुए थे, तो इस दफ़ा बड़ी कम पॉपुलेशन ने पेपर दिया, स्टूडेंट क्या करता ये नहीं देखता कि अपीयर कितने हुए हैं, उसने देखा कि इस दफ़ा 65 स्टूडेंट्स पास हुए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं और वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर लॉ में पूरे पाकिस्तान में 65 बच्चे पास हुए, वो उनको यही नहीं आइडिया कि 1000 भी नहीं अपीयर हुए थे जबकि नॉर्मली 6-7 हज़ार 4-5 हज़ार अपीयर हो रहे होते हैं, उससे पिछले दोनों अटेम्प्ट्स में जो आईकैप ने जो परसेंटेजेस एग्जामिनर कमेंट में दी थी सरप्राइजिंगली मैं खुद भी शॉक हो गया था, दैट वाज 20%, ओके 20% इज क्वाइट अ गुड परसेंटेज, मतलब कंसीडरिंग कि आधे लोग तो सीरियस ही नहीं होते अटेम्प्ट देते वक्त, आधे लोग तो बस सिर्फ पेपर ऑफ कर लेते हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप आईकैप के रिकॉर्ड्स देखें तो इसमें 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन एवरेज पास हो रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ में और ये बड़ी अच्छी परसेंटेज है, उस दिन के बाद तो मुझे खुद और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अगर एक स्टूडेंट थोड़ी सी भी एफर्ट कर रहा है तो आईकैप है सफिशिएंट लेवरेज के वो उसको पास की तरफ लेके जा रहा है। तो सर आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों, चाहे वो नियर पीयर से पढ़ रहे हों, चाहे वो आपसे पढ़ रहे हों, किसी भी इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हों, सबके लिए ऑल द बेस्ट विशेज हमारी तरफ से। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर, इंशाल्लाह और क्वेश्चन आएंगे हम आपको फिर ऐसे ही दावा देते रहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस, इन द नेक्स्ट वीडियो हम और बातें करेंगे, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर क्वेश्चन डालें एंड वी विल ट्राई कि हम आपको आंसर करें, थैंक यू सो मच।